गुड इवनिंग अनुश्री। तो 5 मिनट हम वेट कर लेते हैं सबके लिए, उसके बाद हम पेपर पे चलेंगे। आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? ओके मोहन, ओके अनुश्री, गुड इवनिंग मोहन। 3 मिनट्स हो चुके हैं, 2 मिनट और वेट करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको पेपर दिख रहा होगा, नवंबर 2017 का पेपर है, इतिहास का। तो चलिए पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है, और ऑप्शन से डाबर कोट, सोत का कोह, सुत का गेंडोर और शोतर गोई। आप आंसर दे सकते हैं, नीचे कूट के माध्यम से उत्तर दीजिएगा। वन का सी बोल रही है अनुश्री। मोहन ए बोल रहे हैं, रणविजय बोल रहे हैं ए, फिर बी चेंज किया है आपने आंसर, और एक बार इंग्लिश में हम देख लें उसके बाद हम उत्तर देखेंगे क्या होगा। तो जिन लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है वो लोग इंग्लिश में भी देखते जाएं, बीच बीच में मैं आपको इंग्लिश का भी
क्वेश्चन आंसर दिखाती जाऊंगी। यस अनुश्री, सी इसमें हमारा जो है वो करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन सी, मतलब वन फिर सेकंड फिर थर्ड हम लेंगे, यहाँ पे हैं सी वन सेकंड और थर्ड, मतलब डाबर कोट, सुत का को और सुत का गेंडोर, तो यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे, यहाँ पे दिया है वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम दिए गए हैं और इसे आपस में हमें सुमेलित करना है। तो नीचे आपको कूट दिख रहा होगा, थोड़ा मुझे स्क्रीन छोटा करना पड़ रहा है ताकि आप कूट के माध्यम से उत्तर दे सके, बाद में मैं इसे मैच कराऊंगी। इसके बाद आप इंग्लिश में एक बार देख लीजिए इसे। मोहन टू का बी बोल रहे हैं, बी कूट को चूज किया है मोहन ने। रन विजय ए बोल रहे हैं, जैसे जैसे जुड़ते जाइए एक लाइक जरूर करते जाइए। और अनुश्री बी बोल रही हैं, तो चलिए हम मैच करते हैं और देखते हैं कौन सा उत्तर हमारा करेक्ट होगा। तो कुंभा, कुंभा को हम कर देंगे काबुल से। इसके बाद परुष्णी, परुष्णी हो जाएगा रावी से। सदा नीरा गंडक से और शतुद्री हो जाएगा सतलज से। तो ए का हमने सेकंड लगाया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो रहा है। तो जिन लोग का आंसर बी में आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाइए। गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेष पर निम्न स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं। तो ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लुम्बिनी, नीलीगवा और पिपहरवा और सहमत सहेत महेत। मोहन ने आंसर दे दिया है थर्ड का सी। और एक बार इंग्लिश में देख लीजिए। अनुश्री सी, रन विजय डी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बन रहा है वो ऑप्शन सी यानी थर्ड बन रहा है, पिपिर हवा। और फिर क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाइए। यहाँ पे दिया है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ प्राचीन नगर दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थिति दी गई है, तो इसे आपस में सुमेलित कर नहीं करना है, इसमें से इनकरेक्ट जो सुमेलित है उसी को चूज करना है। मोहन और इसे मैं इंग्लिश में आपको दिखा दूं यहाँ पे। रन विजय, रन विजय सी बोल रहे हैं, मोहन डी बोल रहे हैं, अनुश्री डी बोल रही है। हमारा जो इसमें उत्तर बन रहा है, आंसर हो रहा है, वो डी या फोर नंबर करेक्ट होगा, यानी ये इनकरेक्ट सुमेलित है। बाकी को देख लेते हैं,
पुष्प कलावती चार सदस्य सही है, साकल सियालकोट ये भी सही है, और ताम्रलिप्ति तामलुक ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ये काफी इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिलेख में से कौन सा अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है? धर्म विजय की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मोहन डी 5 का डी बोल रहे हैं, और यहाँ एक बार इंग्लिश में देखिए, डी बोल रही हैं अनुश्री, सी बोल रहे हैं रण विजय। तो अपना आंसर देख लेते हैं, इसमें जो हमारा आंसर बन रहा है वो होगा 4 या डी कहिए, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 4, 13वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 6, शक एवं विक्रम संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? अंतर हमें कितने वर्षों का दिखता है? सिक्स का सी बोल रहे हैं मोहन, और यहां पे इंग्लिश में आप देख सकते हैं, सिक्स का बी बोल रही हैं अनुश्री, तो यहां हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 3 या सी, 135 वर्ष का अंतर दिखता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन योद्धेयों के टकसाला केंद्र थे? सेवन का सी बोल रहे हैं मोहन, अनुश्री सी, और रण विजय बी बोल रहे हैं, और यहां पे एक बार इंग्लिश में आप देख लीजिए, तो यहां हमारा जो उत्तर बन रहा है वो ऑप्शन 3 या सी सही है, रोहतक सुनेत। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्य ग्रह कौन सा है? 8 का सी बोल रहे हैं मोहन, और यहाँ पे एक बार इंग्लिश में देखिए, अनुश्री सी कार्ले, तो यहाँ हमारा जो उत्तर बन रहा है वो 3 या सी कहिए, कार्ले होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुषाण देव कुल प्राप्त होता है जहां राजकीय पुरुषों की प्रतिमाएं रखी जाती हैं? ये कल हमने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें रिपीट भी हुआ था, आप लोग को रिमेम्बर होगा। मोहन 9 का बी, ओके, तो रिपीट होने वाले क्वेश्चन आपको अब मिलने लगे होंगे।
ना इनका अनुश्री बी बोल रही है। हमने काफी पेपर सॉल्व कर लिए हैं। मोहन नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी मत जाइए, पहले एक को हम क्लियर करेंगे उसके बाद ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो नाइन का यहाँ पे इंग्लिश में आप देख सकते हैं और यहाँ हमारा जो उत्तर बन रहा है वो मार्ट बन रहा है, तो इसमें टिक कर लेते हैं, मार्ट इसमें करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर टेल, हल किसकी प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है? हाँ, आज नेटवर्क बहुत अच्छा है, आप लोग जो कमेंट मुझे भेज रहे हैं बिल्कुल टाइम से मुझे मिल जा रहा है, नहीं तो काफ़ी लेट मुझे भी मिल रहा था। अनुश्री 10 का ए बोल रही हैं। और इसमें हमारा ए बिल्कुल सही हो रहा है, बलराम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, महाराष्ट्र में नहपाण के काल में स्वर्ण एवं कर्षण पर के बीच क्या विनिमय दर थी? और यहाँ एक बार आप इंग्लिश में से देख सकते हैं, तो यहाँ हमारा जो उत्तर बन रहा है 11 का वो हो जाएगा ऑप्शन 4, 1:35 का यहां पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। और यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। कथन कह रहा है, समुद्रगुप्त एवं कुमार गुप्त दोनों ने अश्वमेघ भात के सिक्के चलाए थे, राइट और रॉन्ग में आप आंसर दे सकते हैं। ये राइट होगा। इसके बाद कारण दे रहा है, दोनों ने अपने अभिलेखों में अश्वमेघ यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया था, ये भी सही होगा। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो बन जाएगा ए आर, दोनों सही है लेकिन आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा है, व्याख्या नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। इसमें देख लेते हैं और इसमें हमने ऑप्शन 2 इसमें हम करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से दक्षिण में शैव आचार्य कौन थे? अभी मुझे दिख रहा है नेट की फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जैसे ही बोला वैसे ही नेट की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, मुझे दिख रहा है कनेक्टिविटी में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो रिकॉर्ड हो जाता है, जो क्वेश्चंस आपसे मिस हो रहे हैं वो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो में आप देख सकते हैं। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि हर वीडियो पर मैंने आई बटन सेट किया हुआ है, आई बटन के माध्यम से आप हिस्ट्री के और भी वीडियोस देख सकते हैं। मेरे 700 से ऊपर वीडियो अपलोड हो चुके हैं जो कि ज़्यादातर हिस्ट्री बेस्ड है। तो आ जाइए यहाँ पर,
क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो उत्तर हमारा बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, सुंदर मूर्ति। और यहाँ पे इंग्लिश में आप देख सकते हैं ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित खजुराहो मंदिर में से कौन से मंदिर संधार शैली के हैं? तो संधार शैली के जो मंदिर हैं उनका हमें चुनाव यहाँ पे करना है। तो नेट की प्रॉब्लम की वजह से मैं बता दूं आपको, मुझे कमेंट आपके नहीं दिख पा रहे हैं, तो कोशिश करिएगा देने के लिए, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं इसे सॉल्व कराती जा रही हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा पार्श्वनाथ मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। तो पार्श्वनाथ मंदिर और लक्ष्मण मंदिर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे इंग्लिश में आप देख सकते हैं, और ज़्यादा फास्ट लगता है, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सॉल्व करा रही हूँ, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आराम से क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो फिर से जो सही सुमेलित नहीं है उसका हमें चुनाव करना है। तो चलिए देख लेते हैं, एक तरफ रचना दिया गया है, दूसरी तरफ विषय दिए हुए हैं। तो अपराजित प्रच्छा ये हो जाएगा स्थापत्य से सही दिया हुआ है, और अष्टांग हृदय ये चिकित्सा की रचना है, लीलावंती नाटक से ये गलत है, और यही हमारा उत्तर बनेगा वैजयंती शब्दकोश। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बन रहा है वो हो रहा है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, वह चोल राजा जिसने कटुता मिटाने के लिए श्रीलंका के विजय बाहु के साथ शांति स्थापित कर ली और अपनी पुत्री का विवाह एक सिंघल राजकुमारी से कर दिया कौन था? इसका आप एक बार इंग्लिश में देख सकते हैं। और यहाँ हमारा जो उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन 1, कुलोत्तुंग प्रथम। यस, अभी आपके कमेंट मुझे दिख रहे हैं, 16 का ए आंसर दिया है मोहन ने और अनुश्री ने। ओके, चलिए आ जाते हैं, बीच में नेट की प्रॉब्लम आ जा रही है जिससे मुझे भी आपके कमेंट लेने में प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं, रामायण विषय संबंधित उत्कीर्ण निम्न गुफा में प्राप्त होते हैं? तो किस गुफा से प्राप्त हो रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 17, और यहां पे एक बार आप इंग्लिश में से देख लीजिए। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बन रहा है वो होगा ऑप्शन 4,
आंध्र प्रदेश में उडवली। क्वेश्चन नंबर 18, दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली के सुल्तान कल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया। इसे हजरत दिल्ली शहर का शहर कहा गया। यह सुल्तान कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 का डी आंसर होगा अनुश्री। 18 पर आ जाइए। बीच में जहां पे स्पीकर का बटन होता है वहां पर लाइव का एक दे रहा होगा, उसको आप बीच बीच में प्रेस जरूर करिए ताकि कंटिन्यू जो अभी मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ वो आप सीधे सीधे देख सकें। और इसका एक बार मैं इंग्लिश में आपको दिखा देती हूँ। एटीन का डी ओके, कल ही आपने पढ़ा है इसके बारे में। आपने 18 के बारे में पढ़ा है डी। फिर से एक बार रीड कर ले रहे हैं। दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को संतलत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेख नहीं किया गया। इसे हजरते दिल्ली यानी राजसी दिल्ली या शहर कहा गया। यह सुल्तान कौन है? 18 का डी। दीपक डी बोल रही हैं। तो यहां हम ऑप्शन डी को टिक कर रहे हैं, मोहम्मद तुगलक। लेकिन मुझे एक कंफ्यूजन है यहां पे, इल्तुतमिश भी हो सकता है अगर आप रेफरेंस का बात कह रही हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। और यहाँ पे इंग्लिश में मैंने नहीं दिखाया, जो लोग इंग्लिश के हैं यहाँ से रीड कर सकते हैं। और ऑप्शन 4 मोहम्मद तुगलक हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 119। निम्न लिखित में से कौन सा सूफियों के संवादों का संकलन नहीं है? जो संकलन नहीं है उसको हमें चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 119। दीपक ए बोल रही हैं और यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। और यहाँ हमारा जो उत्तर बन रहा है 1919 का वो होगा 3rd। मतला उल अनवर।
क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अनाज मूल्यों के नियंत्रण की नीति का अधिनियम जवाबित नहीं है? एक मिनट, ए दीपक कुछ कह रही हैं, ए राजा राम मोहन राय की है। निम्न में से कौन सा सूफियों के संवादों का संकलन नहीं है? आप ये कह रही हैं कि फतवा एद उल फुअद, ये राजा राम मोहन राय की है। अनुश्री, ट्वेंटी अभी हम लोग 1919 पे हैं सरकार। तो यहाँ पे मैं इसे स्किप कर देती हूँ, यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है इसलिए। ओके, चलिए इसको बाद में हम फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अनाज मूल्यों के नियंत्रण की नीति का अधिनियम जवाबित नहीं है? ट्वेंटी पे आ जाइए। और ये रहा इंग्लिश में, और 20 का जो हमारा उत्तर बन रहा है वो हो रहा है थर्ड, शाहना की पूर्व अनुमति के बिना अनाज नहीं बेचना, सी करेक्ट है 20 का। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस पुस्तकों में भारी वजन को उठाने के लिए चरखी का प्रयोग पहली बार मिलता है? यस, सी करेक्ट है। ए बोल रही है दीपक। और यहां पे इंग्लिश में आप देख लीजिए, ए बी बोल रहे हैं। अनुश्री, ए बोल रहे हैं। तो ए के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो हमारा हो जाता है ईसामी की फतूह उस सलातीन, और फिर बी हो जाएगा बर्नी की तारीखे फिरोजशाही। इसमें जो हमारा उत्तर बन रहा है वो होगा ऑप्शन टू, बर्नी की तारीखे फिरोजशाही और अफीफ की तारीखे फिरोजशाही, बी और सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए।
यहाँ पे सम्मिलित करने का है। मैं स्क्रीन थोड़ा सा छोटा करूँगी ताकि आप नीचे कमेंट के माध्यम से देख सके। नोटिफिकेशन आज मैं बंद करना भूल गई हूँ, बहुत सारे आ रहे हैं नोटिफिकेशन, यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको दिख रहा होगा। कूट के माध्यम से उत्तर दीजिएगा एक बार में ही। और यहाँ आप देख सकते हैं इंग्लिश में, तो चलिए इसका उत्तर देख लें। लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को उत्तर देने में, तो चलिए इसे मैच कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है सर खेल, सर खेल को हम कर देंगे यहाँ पे नंबर 4 से कनिष्ठ सैन्य अधिकारी, सर खेल होगा। इसके बाद शब नवीश हो जाएगा रात्रि लेखक से, शिफा खाना कहते हैं अस्पताल को, और सिलहदार कहते हैं सशस्त्र सैनिक को। तो इस तरह से अगर मैच करते हो तो नीचे मैच करते हैं अपना ऑप्शन। हमने ए का 4 लिया है, एक ही जगह है, ऑप्शन 4 या डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। सुल्तान गहरी धार्मिक प्रवृत्ति वाला था, वह अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह बड़ी पाबंदी से करता था, दिन में 5 बार नमाज अदा करता था और रमजान में उपवास रखता था। उस दौरान वह मांस नहीं खाता था, वह सूफियों विद्वानों और ब्राह्मण पंडितों का आदर करता था और उन्हें भूमि दान देता था। वह राज्य के मामले में शेखुल इस्लाम की राय लेता था और उलेमा से उसके संबंध में मैत्रीपूर्ण थे। उपरोक्त इंगित कश्मीर के शासक को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे हम थे क्वेश्चन नंबर 23 पे, और अनुश्री 23 का ए बोल रही हैं, ये रहा इंग्लिश में। और 23 रन विजय 33 और 23 लिख रहे हैं, यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या लिख रहे हैं आप। तो हम लोग 23 पे हैं, ए अनुश्री आंसर दे रही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं 23।
23 का जो आंसर होगा वो होगा जैनुल आबदीन। और ये जो मुझे याद आ रहा है अभी पिछले साल के पेपर में या तो जून या दिसंबर के पेपर में इससे रिलेटेड जैनुल आबदीन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ था। कश्मीर का शासक है जैनुल आबदीन। और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ भी टिक मार्क कर लेते हैं। तो ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, मेवाड़ के शासक को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये शासक दिए गए हैं और उसे हमें क्रम में व्यवस्थित करना है, तो कूट के माध्यम से आप उत्तर दीजिए। 23 का ऑप्शन टू होगा जैनुल आबदीन। और यहाँ पे आप इंग्लिश में इसे देख सकते हैं। ओके, सरकार जी बोल रहे हैं 24 का बी। तो चलिए इसे हम राइट करते हैं, फिर देखते हैं हमारा क्या होगा सही उत्तर। सबसे पहले हम रखेंगे राणा कुंभा को नंबर वन पे, फिर हम रखेंगे राणा उदा को नंबर टू पे, फिर हम रखेंगे राणा रायमल को नंबर थ्री पे, और सबसे लास्ट में राणा सांगा को। तो इस तरह से अगर हम रखते हैं तो हम देख लें अपना क्रम। सबसे पहले डी, उसके बाद हम रखेंगे सी, फिर ए, और ऑप्शन टू करेक्ट हो रहा है बी। सरकार जी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने रुशद नामा में श्री गोरख अलख निरंजन और ओमकार का जिक्र किया है। ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर रही हूँ ऑप्शंस आपको देखने के लिए। ट्वेंटी फाइव का सी बोल रहे हैं। ओके, और यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख लीजिए एक बार। ट्वेंटी फाइव का अनुश्री ए बोल रही हैं। और यहाँ पे जो हमारा उत्तर बनेगा वो ऑप्शन थर्ड या सी करेक्ट होगा। शेख अब्दुल कुसुद गंगोही। क्वेश्चन नंबर 26, कथन कारण का क्वेश्चन है, मध्यकाल में यूनानी पुस्तक को अरबी अनुवाद के माध्यम से समझा गया। टालमी और गैलन खगोल विज्ञान और औषधि विज्ञान के प्रमुख विशेषज्ञ बने रहे। राइट आर रॉन्ग। राइट बोल रहे हैं और ये बिल्कुल राइट है। फिर कारण दे रहा है, टॉमस रो ने लिखा कि मुगल दरबार के मुस्लिम मौलाओं को दर्शन शास्त्र और गणित का ज्ञान था और वे महान ज्योतिषी हैं तथा अरस्तु, यूक्लिड और एवेरोस के बारे में बात कर सकते हैं। यस, राइट है। कारण बताइए राइट आर रॉन्ग। ओके, वो भी राइट है, सही जवाब है, ये भी राइट होगा। तो हमारा जो इसमें उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ए आर, दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी दे रहा है। और यहाँ पे एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए।
सभी के आंसर करेक्ट आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तो यहाँ पे दे रहा है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, उनमें से फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। मध्यकाल में मदरसे मुख्य रूप से मुस्लिम धर्मशास्त्र और इसके विशाल रहे, क्या कहते हैं, राइट होगा रॉन्ग होगा? राइट बोल रही हैं अनुश्री और ओके इंग्लिश में, ये लीजिए 27 का ए चूज कर रहे हैं रन विजय। ओके तो यहाँ मैं अभी उत्तर बताने वाली हूँ। सरकार जी का आंसर आ गया है, राइट है, आप ही के आंसर का मैं वेट कर रही थी। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर बनेगा 27 का वो बन रहा है ए आर, दोनों सही है। आर एक बार देख लेते हैं, अधिकांश उच्च शिक्षा मदरसे से बाहर शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी जाती थी, जो प्रायः अपने व्यक्तिगत प्रमाण पत्र देते थे, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये व्याख्या नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा उत्तर बनेगा नंबर 2, ए आर दोनों सही है, इसकी व्याख्या नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत और उज्बेकिस्तान के कौन से दो शासक मक्का और मदीना के पवित्र क्षेत्रों की ओर जाने वाले रास्तों को विजित करने हेतु सहमत हुए, निम्न में से उन शासकों को चिन्हित करें। और यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 28 बी बोल रहे हैं, ओके सभी के आंसर बी ही आ रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका जो आंसर हमारा बनेगा वो बी या 2 करेक्ट है। अकबर और उबदुल्ला खां उज्बेक, कथन कारण का क्वेश्चन आ गया है। कथन कहता है सिख धर्म वह स्थान था जहां सिख बैठते थे और अपने ईश्वर की उपासना में लगे रहते थे, राइट आर रॉन्ग? सरकार राइट बोल रहे हैं, अनुश्री राइट बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो रहा है ये राइट होगा। और कारण दे रहे हैं, जब ठग सज्जन ने गुरु अर्जुन के सामने समर्पण किया तो एक धर्मशाला बनवाई गई। थोड़ा मुश्किल है, ये रॉन्ग होगा, चलिए मैं बता रही हूँ उत्तर, ये रॉन्ग होगा। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बन रहा है ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, ओके रॉन्ग होगा, सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यह आदेश दिया गया कि हरम में निवास करने वालों के नामों का उल्लेख सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके जन्म स्थान, देश या शहर पर आधारित किसी विशेषण के आधार पर
उनका नामोल्लेख किया जाना चाहिए। उस बादशाह की पहचान कीजिए जिसने बेगमों के नामों को सार्वजनिक करने की प्रथा को समाप्त कर दिया। तो कौन सा शासक ऐसा था, यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं इसे, थर्टी का बी बोल रही है अनुश्री। तो 30 का अनुश्री बी बोल रही हैं, ओके, और सरकार जी भी बी बोल रहे हैं और सुनील बी बोल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे एक बार इंग्लिश में मैंने दिखा दिया था, यहाँ हमारा ऑप्शन ए होगा, अकबर ने ऐसा आदेश जारी किया था, ऑप्शन ए वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन 31, महाराष्ट्र के रामदासी पंथ के बारे में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है। स्क्रीन थोड़ा जूम कर रही हूं ताकि आप रीड कर सके। और यहाँ पे आप एक बार इंग्लिश में भी इसे देख लीजिए। सरकार ए बोल रहे हैं, अंशी कंफ्यूजन है। रामदासी पंथ के बारे में क्या सही नहीं है, एक कहता है रामदासियों का पारंपरिक लक्षण उनकी गैर राजनीतिक अभिवृत्ति थी, रामदासी पंथ पूरी तरह से ब्राह्मण से मिलकर बना था। नंबर तीन कहता है रामदासी मठों से प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा जुड़े थे। फिर फोर कहता है रामदासी खुले तौर पर शिवाजी का समर्थन करते थे। तो यहाँ मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि यहाँ पे मुझे भी कन्फ्यूज़न है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी वन होना चाहिए ए, यस, मुझे भी ए ही लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे सूची दिए गए हैं, ये याददाश्त क्या होता है, तालिका क्या होता है, पट्टा क्या होता है और कबूलियत क्या है। तो यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे कूट दिया हुआ है, थोड़ा सा स्क्रीन मुझे छोटा करना पड़ा है ताकि आप कूट के माध्यम से उत्तर दे सकें। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा दूँ, इसके बाद मैं इसे सॉल्व करा दूँगी। क्वेश्चन नंबर 32 है,
लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में। थर्टी टू का बी बोल रही है अनुश्री, सुनील ए बोल रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देख लेते हैं, डी बोल रहे हैं सरकार, सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा उत्तर हमारा सही होगा इसमें। तो याददाश्त हम कर देंगे नंबर थर्ड से, ज्ञापन से। फिर तालिका को करेंगे संक्षिप्त दस्तावेज से। पट्टा को कर देंगे यहाँ पे हक भू संपत्ति अधिकार संबंधी प्रलेख। कबूलियत एक वन से हो जाएगा। अपने राजस्व संबंधी जिम्मेदारी के बारे में किसानों द्वारा स्वीकार किए जाने संबंधी प्रलेख को। तो हमारा ऑप्शन हम देख लेते हैं, हमने एक मिनट, हमने ए का थर्ड लगाया है और एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन वन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन वन करेक्ट होगा। तो सुनील का आंसर सही दिख रहा है यहाँ पे, सुनील का आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। नियम है कि कृपा पात्र नौकर अपने दाहिने हाथ के पश्च भाग को जमीन पर रख कर और तब इसे धीरे धीरे उठाता है। व्यक्ति के सीधे खड़े होने पर वह अपने हाथ की हथेली को अपने सिर के मध्य भाग पर रखता है। उपरोक्त कथन में अबुल फजल निम्नलिखित में से दंडवत प्रणाम की किस विधि को की ओर इंगित करता है। तो ये तो बात हो गई हिंदी में, और आप एक बार इंग्लिश में भी इसे देख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है हिंदी तो। और यहाँ पे कमेंट आ गया है, सुनील ए बोल रहे हैं। सरकार ए बोल रहे हैं। अनुश्री, तो अनुश्री भी ए बोल रही है। तो हमारा आंसर जो है वो वन बिल्कुल करेक्ट है। तस्लीम ये दिखाता है जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन से चित्रकार खुद की तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते हैं, अपनी खुद की तस्वीर बना लेते हैं ऐसा कह रहा है। तो नीचे ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, कूट के माध्यम से लेकिन उत्तर दीजिएगा। सरकार 34 का डी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में भी एक बार इसे देख लेते हैं, सरकार का आ गया है आंसर, 34 का डी बोल रहे हैं। और एनीवन, तो 34 का जो आंसर बन रहा है तो चलिए मैं करेक्ट आंसर बताने जा रही हूँ। यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा, एक तो ए हो जाएगा मनोहर था, फिर दौलत हो जाएगा, फिर केशव हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन फोर हमारा बिल्कुल सही हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35।
निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से उत्तर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट, सॉरी यहाँ पे जो दिए हुए हैं उनको हमें क्रम में लगाना है। और यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप, अगर इंग्लिश में आपको समझ में आता है और कूट के माध्यम से मुझे उत्तर दीजिएगा। और आते ही एक लाइक जरूर कर दिया करिए। थर्टी फोर का आंसर दे रहे हैं सुनील, आप 34 का आंसर दे चुके हैं ए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे हैं, सरकार डी दे रहे हैं। अगर लाइव आपको नहीं दिख रहा है तो जहां स्पीकर का बटन होता है वहां पे लाइव एक दिया रहता है ऑप्शन, वहाँ क्लिक करेंगे तो बिल्कुल लाइव वाली क्वेश्चंस आपको मिलने लगेंगे। अनुश्री 35 का डी बोल रही हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे, उसके बाद देखते हैं क्या उत्तर बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रखेंगे द डेकन एसोसिएशन, डेकन एसोसिएशन वन पे, फिर हम रखेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नंबर टू पे, फिर हम रखेंगे भारत लीग को नंबर थ्री पे, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे लास्ट में। तो इस तरह से अगर रखते हैं तो देख लेते हैं ऑप्शन, सबसे पहले ए, ए दो जगह दिख रहा है, फिर बी और फिर डी, यानी ऑप्शन डी हमारा फोर करेक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्यों वाले द यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन को 1888 में किसने स्थापित किया? तो सरकार का ऑप्शन आ गया है 36 का सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 37, और यहां पे मैं आपको एक बार इंग्लिश में भी दिखा रही हूं। देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो इसमें लग रहा है फिर से नेट की प्रॉब्लम आ रही है। चलिए मैं उसका उत्तर दे रही हूँ। 36 का जो उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सर सैयद अहमद, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाइए। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 37, और यहाँ पे आप एक बार इंग्लिश में इसे देख लीजिए। सुनील सी बोल रहे हैं, अनुश्री डी, सरकार डी। तो चलिए देख लिए हमारा ऑप्शन। प्राचीन स्मारक अधिनियम, लॉर्ड कर्जन होगा, ऑप्शन फोर हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा।
तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित अधिनियम में से किसने महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ावा दिया और विधानसभा में उन्हें आरक्षित सीट दी? तो कौन सा एक्ट था, यहाँ पे आप एक बार इंग्लिश में से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दे रहे हैं सरकार डी। एनीवन? सुनील डी बोल रहे हैं, अनुश्री टी बोल रही हैं। सही है, सभी का जवाब बिल्कुल सही है और यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा 1935। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 39, अनुश्री 39 का ए बोल रही हैं। सरकार ए बोल रहे हैं यहाँ पे और सुनील का आंसर आ गया है, वो डी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर बन रहा है वो वन या ए ही होगा, सर आर जी भंडारकर, ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित उद्योगपति में से 1936 के बॉम्बे घोषणा पत्र के हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? नीचे कूट दिया गया है, कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। और यहाँ पे आप एक बार इंग्लिश में इसे देख लीजिए। फोर्टी का बी बोल रही हैं अनुश्री। सरकार सी बोल रहे हैं सुनील। तो चलिए मैं उत्तर बताने जा रही हूं इसका। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बन रहा है वो बनेगा, एक तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास हो जाएंगे, पुरुषोत्तम ठाकुर दास, और दूसरे हो जाएंगे वालचंद हीरा चंद। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है वो रहा थर्ड ए और डी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 41, 10 क्वेश्चंस रह गए हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में निम्न में से कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 41, और यहाँ पे एक बार इंग्लिश में आप देख सकते हैं इसे।
अनुश्री बी बोल रही हैं, सरकार सी बोल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जो 41 का हमारा आंसर होगा वो चेचू आंदोलन होगा, ऑप्शन थर्ड, चेचू मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 42, अंकल टॉम्स केबिन की तरह उसी प्रकार के बंगाली पुस्तक कुलीन कहीन का लेखक कौन है? यहां पे एक बार इंग्लिश में आप देख लीजिए इसे। सरकार ए बोल रहे हैं, अनुश्री ए और सुनील बी बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ हमारा ऑप्शन वन ही करेक्ट हो रहा है, पंडित राम कुमार विद्यारत्न। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं। फोर्टी थ्री का आंसर दे रहे हैं सरकार ए। एनीवन? अनुश्री ए, तो सुनील का आंसर लग रहा है नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, चलिए इसमें हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, लोकमान्य तिलक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे राजनीतिक संगठन दिए गए हैं और उसकी स्थापना वर्ष दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग इसे हमें मैच करना है। तो मैं स्क्रीन थोड़ा सा छोटा करूँगी ताकि आप कूट के माध्यम से उत्तर दे सकें। ए बोल रहे हैं सुनील, ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48, सॉरी 44 है, क्वेश्चन नंबर 44, और यहां पे एक बार आप इंग्लिश में देख सकते हैं। सरकार बी बोल रहे हैं, एनीवन? तो चलिए इसे सुमेलित करते हैं और आंसर पता करते हैं। राजनीतिक संगठन सबसे पहले दिया है इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1867 में, 1867। महाजन सभा, महाजन सभा होगा 1884 में। द बॉम्बे एसोसिएशन, द बॉम्बे एसोसिएशन को हम कर देंगे नंबर वन से 1852 से। और पूना सार्वजनिक सभा,
इसे हम कर देंगे 1876 से। तो इस तरह से अगर मैच करते हैं तो देख लेते हैं ऑप्शन। इसमें हमारा ए का हमने सेकंड लिया है तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 और ये कथन कारण का क्वेश्चन आ गया है। सरकार इंडियन एसोसिएशन बता रहे हैं 1876, एक मिनट फिर चेक करते हैं। इंडियन एसोसिएशन ओके, एक मिनट इसे तो फिर से करना पड़ेगा। इंडियन एसोसिएशन 1876 यानी यहाँ पे अगर हम ए करते हैं, इंडियन एसोसिएशन थर्ड करते हैं, उसके बाद महाजन सभा, महाजन सभा हो जाएगा हमारा 4 से, फिर हम द बॉम्बे एसोसिएशन करते हैं 1 से, और पूर्णा साजिक सभा हो जाएगा नंबर 2 से। तो इसमें हमारा जो उत्तर सही कह रहे हैं, यहाँ पे उत्तर गलत दिया हुआ है, इसमें हमारा जो उत्तर बनेगा वो बी करेक्ट होगा। थैंक यू सरकार सही उत्तर देने के लिए। तो चलिए फिर से देख लेते हैं, सबसे पहले इंडियन एसोसिएशन को हम कर देंगे 1876 से, 1876 से, इसके बाद महाजन सभा, महाजन सभा को हम कर देंगे 1884 से, बी कर देंगे। द बॉम्बे एसोसिएशन, द बॉम्बे एसोसिएशन को कर देंगे 1852 से यहाँ पर, और इसके बाद पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा को कर देंगे 1876 से, यहाँ पे डी कर देंगे। तो मैंने पहले भी आपको कहा है कि सभी लोग कोई 100% परफेक्ट नहीं होता है। अगर आपको कहीं भी किसी पेपर में कुछ भी मिस्टेक दिखती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस वीडियो पे कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, मैं आज नहीं तो कल ज़रूर उसको चेक करके उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन करवा दूँगी। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। तो अभी कथन है, क्वेश्चन नंबर 45 पर आ जाते हैं। भारत ने सार्वजनिक मामले में महिलाओं के प्रवेश में वृद्धि करने के बाद अपने राजनीतिक रूढ़िवाद के एक बड़े हिस्से को उखाड़ फेंका। और तर्क दे रहा है, यदि शक्ति का अर्थ पार्श्विक शक्ति है तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं वास्तव में कम पार्श्विक हैं। यदि शक्ति का अर्थ नैतिक शक्ति है तो महिलाएं अपमाननीय रूप से पुरुषों से श्रेष्ठतर हैं। तो दोनों का आंसर आप एक साथ दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे आप एक बार इंग्लिश में से देख लीजिए। तो यहाँ पे फिर से कमेंट प्रॉब्लम आ रही है, मैं देख रही हूँ। तो चलिए मैं उत्तर सीधा दे रही हूँ आपको। यहाँ पे हमारा अभिकथन बिल्कुल सही है, तर्क भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, लेकिन व्याख्या नहीं दे रहा है। तो हमारा आंसर बन जाएगा ए आर, दोनों सही है, उसकी व्याख्या नहीं दे रहा है। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46,
1880 में आरंभ हुई इस स्टेट्यूटरी सिविल सर्विस के बारे में क्या सही नहीं है? स्क्रीन पे आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे। यस, रॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो हमारा जो उत्तर बन रहा है इसीलिए बी बन रहा है। 46 पर आ जाइए, यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा रही हूँ ताकि आसानी से आप उत्तर दे सकें। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बन रहा है 46 का, वो 4 बन रहा है। यह सेवा पूर्णता का घटक प्रदान करती थी और भारतीयों के उच्च पदों पर नियोजन के दावे के साथ न्याय करती थी। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित गुट निरपेक्षता का उद्देश्य नहीं था? आप नीचे ऑप्शन देख पा रहे होंगे और यहाँ पे आप इंग्लिश में देख लीजिए। तो यहाँ जो हमारा उत्तर बन रहा है ऑप्शन 4 होगा। इसका उद्देश्य यूएसए और यूएसएसआर का सामना करने के लिए तीसरी शक्ति के निर्माण था, ऐसा इसका उद्देश्य नहीं था। यस, सभी के आंसर करेक्ट हैं, हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, और यहाँ पे दिया है लेखक और पुस्तकों का शीर्षक दिया गया है, तो इसमें कूट के माध्यम से आप उत्तर देने की कोशिश करिए। लेखक और पुस्तक दिए गए हैं, ई एच कार हैं, मार्क ब्लॉक हैं, डब्ल्यू एच वॉल्स हैं और हर्बर्ट बटलर फील्ड हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश में इसे देख सकते हैं। का डी बोल रहे हैं। चलिए इसे हम मैच कर ले, फिर देख लेते हैं आंसर। सबसे पहले दिया है ई एच कार को हम करेंगे सेकंड से। व्हाइट इज हिस्ट्री। मार्क ब्लॉक को कर देंगे हिस्टोरियन क्राफ्ट से। डब्ल्यू एच वॉल्स को कर देंगे एन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। और हर्बर्ट बटलर फील्ड, इन्हें कर देंगे, एक ही बचा है नंबर थर्ड से, विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो इस तरह से मैच करते हैं, तो देखते हैं अपना आंसर।
ए का सेकंड दो जगह दिख रहा है, फिर बी का हमने 4 लिया है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सरकार बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किस वर्ष वर्षा समझौते के देशों और नाटो के बीच यह संघर्ष घोषित करते हुए कि वह अब शत्रु नहीं रहे शीत युद्ध की समाप्ति को प्रकट करती संधि की गई? क्वेश्चन नंबर 49। और इसे इंग्लिश में देख सकते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 49 का सरकार बोल रहे हैं सी। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा उत्तर बन रहा है वो सी या थर्ड ही होगा, 1990। और लास्ट क्वेश्चन रह गया है, यहाँ पे भी पुस्तक दिए गए हैं और लेखक दिए गए हैं, इन्हें आपस में हमें सम्मिलित करना है। तो कूट के माध्यम से आप उत्तर देने की कोशिश करिए। लेखक में है जेपी गूच, एडवर्ड गिबन, ओस वर्ड स्पैंगलर, आर सी कर्लिंगवुड। और एक बार इंग्लिश में देख लीजिए आप। फोर्टी नाइन का सी करेक्ट है, 50 का आंसर दीजिए, सरकार बोल रहे हैं डी। तो चलिए इसको हम मैच कर लेते हैं और आंसर देख लेते हैं फटाफट। तो जेपी गूच को हम करेंगे नंबर सेकंड से। हिस्ट्री एंड हिस्टोरियन ऑफ द 19th सेंचुरी एडवर्ड गिबन को कर देंगे नंबर 4 से। डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर ओसवर्ल्ड स्पैंगलर, इन्हें इनकी जो किताब है वो हो जाएगी द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट। और आर जी कर्लिंगवुड की हम कर देंगे द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। तो इसमें हम देख लेते हैं, ए का हमने सेकंड लिया है, तो यहाँ हमारा जो आंसर बन रहा है वो 4 करेक्ट हो रहा है। तो डी ऑप्शन आपका सही है सरकार। तो यहाँ हमने कंप्लीट पेपर सॉल्व कर लिया है। और इसी तरह के अगर आपको टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के देखने हैं पेपर, तो वो भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, उसमें काफ़ी लिंक्स आपको प्रोवाइड किया है, प्लेलिस्ट क्रिएट किए हुए हैं, तो उसके माध्यम से और भी ओल्ड पेपर के वीडियोज़ आप देख सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ओके, वेलकम सरकार। ओके अनुश्री, वेलकम एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।